साल 1993 में बिलियनेयर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट उस टाइम के सबसे अमीर आदमी थे, जिनके नेट वर्थ 8.3 बिलियन डॉलर्स थी, और आज भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में टॉप 10 या टॉप 5 में आते ही आते हैं, क्योंकि उनके नेट वर्थ आज टोटल 96 बिलियन डॉलर्स है। बट इसमें हैरानी की बात यह है कि इस दुनिया के बाकी सभी वेल्दी लोगों की तरह वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ किसी स्टार्टअप या बिजनेस को ऑपरेट करने से क्रिएट नहीं की है, बल्कि वो सभी बिलियनर्स में से इकलौते बिलियनर हैं जिनकी सारी वेल्थ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से जनरेट हुई है। उन्होंने कभी कोई विजनरी आइडिया पर काम नहीं करा, उन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट नहीं करी जिससे वो दुनिया को बदल सके, बल्कि उन्होंने बहुत ही बेसिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से ही अपने आप को एक बिलियनर बना लिया। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि रिच और वेल्दी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें कुछ विजनरी या बहुत कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। जैसे हर पर्सन एक दूसरे से अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटीज होती है, वैसे ही सेम चीज बिजनेस में भी अप्लाई होती है। वॉरेन बफेट ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने इस नॉलेज का अच्छे से यूज करके बिजनेस के बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए वो कई प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के मेजर पार्ट्स को ओन करते हैं, जिसमें कोका कोला, गायको और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। तो इसीलिए आज हम आपके साथ रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम की बुक द वॉरेन बफेट वे से वॉरेन बफेट के ऐसे 5 प्रिंसिपल्स शेयर करेंगे जो खुद वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जिन्हें सीखकर आप भी इन्वेस्टिंग से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, बफेट्स प्रिंसिपल्स। बफेट अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को कॉमन सेंस फिलॉसफी कहते हैं, जिसने उन्हें कई सालों से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जहां बाकी इन्वेस्टर्स स्टॉक प्राइस पर फोकस करते हैं और अपना ज्यादातर टाइम ये प्रेडिक्ट करने में लगाते हैं कि आगे उसका प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाएगा। बफेट स्टॉक प्राइस के बजाय अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उस बिजनेस को समझने में लगाते हैं। उनका मानना है कि एक इन्वेस्टर को उस कंपनी को सेम उसी तरह देखना चाहिए जैसा एक बिजनेस पर्सन देखता है, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बस फर्क यह है कि एक बिजनेस पर्सन उस पूरी कंपनी को अपना समझता है, वहीं एक इन्वेस्टर उस कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक होता है। तो जैसे एक बिजनेस पर्सन कंपनी के ऑपरेशंस और उसके लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करता है जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, एक इन्वेस्टर को भी उसके स्टॉक प्राइस के बजाय उसके मॉडल पर फोकस करना चाहिए और उस बिजनेस की वैल्यू पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उसके स्टॉक प्राइस पर। तो अगर आप भी वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट के बारे में मत सोचो, भूल जाओ मार्केट में क्या हो रहा है और इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका मार्केट पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि अपना मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस पर करो। हमेशा उस बिजनेस पर फोकस करो जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो, और हर एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बजाय उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसकी वैल्यू अच्छी हो और आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सके। याद रखो, आप एक स्टॉक नहीं खरीद रहे बल्कि आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। नंबर 2, प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ गुड बिजनेस परचेज। अब ये बात तो समझ आ गई कि हमें किस कंपनी के स्टॉक से ज्यादा उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आखिर कौन सा बिजनेस अच्छा है कौन सा बुरा हम ये कैसे पता लगाएं? तो बफेट का मानना है कि किसी भी बिजनेस को कम्प्लीटली परचेज करना या फिर उसके कुछ शेयर्स खरीदने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा या इन फ्यूचर खराब परफॉर्म करेगा तो उसका असर उसके हर एक शेयर पर पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस को बाय करने से पहले वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं। वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे वो अच्छे से समझ सकें। उस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करने का पोटेंशियल होना चाहिए। उस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग ऑनेस्ट और इफेक्टिव होने चाहिए। वो बिजनेस कम से कम प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप वॉरेन बफेट के अप्रोच से किसी भी बिजनेस या स्टॉक को इवेल्युएट करना चाहते हो तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए, बिजनेस टेनेट्स। बिजनेस सिंपल होना चाहिए, जिसे आसानी से समझा जा सके, जो अपने पास्ट में अच्छे से ऑपरेट करते हुए आ रहा हो और जिसका फ्यूचर में ग्रो होने का पोटेंशियल हो। बी, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। जिस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग उसे लीड करने के लिए हाईली क्वालिफाइड हो और अपने शेयर होल्डर्स से ऑनेस्ट हो, वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, कंपनी के मॉरल्स और वैल्यूज का ख्याल रखते हो। सी, फाइनेंशियल टेनर्स। ऐसी कंपनी को चूज करें जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो, जो लॉस को अवॉइड करती हो, जिस कंपनी की वैल्यू उसके शेयर प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो, उस कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं और फ्यूचर में वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने के कैपेबल हो। डी, मार्केट टेनर्स। बिजनेस को अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद ये देखो कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे डिस्काउंट में कितना सस्ते में बाय कर सकते हो। एक बिजनेस खरीदना भी ऐसा ही है जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके, उस कंपनी पर ट्रस्ट करके और उसे सस्ते से सस्ते प्राइस में बाय कर सको, ताकि आपको कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। अब दोस्तों, बात इन्वेस्टमेंट्स की हो रही है तो हम बताना चाहेंगे कि पॉलिसी बाजार अपने गारंटेड रिटर्न प्लान्स में 5.5% से लेकर 6% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जो कि आजकल के FD के मैक्सिमम 5.4% इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज्यादा है। और साथ ही आप इस प्लान में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सिर्फ 5-6 सालों तक नहीं बल्कि मैक्सिमम 45 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार का कहना है कि अगर आप एक लो रिस्क वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज या रिटायरमेंट के लिए जो 100% सिक्योर हो विद गारंटेड रिटर्न्स, तो आप
इनका गारंटेड रिटर्न प्लान चूज कर सकते हैं। साथ ही अच्छी बात यह है कि इसमें सेक्शन 10D के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसमें आप 46,800 तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बचा सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर, और लाइफ कवर होगा 10 टाइम्स आपके एनुअल प्रीमियम का। तो दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक से आप ऑनलाइन पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से गारंटेड रिटर्न प्लान जरूर चेक करें और हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छे से रिसर्च करके ही करें। नंबर 3, इकोनॉमिक गुडविल। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की इकोनॉमिक गुडविल को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इकोनॉमिक गुडविल से ऑथर का मतलब सिर्फ उस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, ना ही वो कंपनी की वैल्यू क्या है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का उस कंपनी के लिए कैसा एटीट्यूड है। तो अगर कोई कंपनी मार्केट में और अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छी और ट्रस्टेबल रेपुटेशन मेंटेन रखती है तो उस कंपनी के लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग अपने ट्रस्ट के लिए उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अल्टीमेटली उस कंपनी के शेयर्स को बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डिज्नी ने लोगों के बीच एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर रखी है। डिज्नी ने अपने आप को कई सालों से एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी की तरह एस्टेब्लिश कर रखा है, जहां बच्चे से लेकर बड़े तक उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी इस रेपुटेशन को खराब नहीं होने देते, क्योंकि लोग डिज्नी पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए डिज्नी की न्यू सर्विस डिज्नी प्लस ने सिर्फ 16 मंथ्स में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, जिसे करने में नेटफ्लिक्स को 10 साल तक लग गए थे, जिससे अल्टीमेटली डिज्नी के इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट भी हुआ। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएं, तो सिर्फ उसके प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू को ही ना देखें, क्योंकि वो लोगों के इमोशंस की वजह से चेंज होता रहेगा, बट लोगों के बीच उस कंपनी की क्या रेपुटेशन है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, यही डिसाइड करता है कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। नंबर 4, मेंटेनिंग अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के बारे में आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कभी भी अपने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, ताकि उनमें से आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस भी हो जाए तो आपके सारे पैसे ना डूबे। बट बफेट इस एडवाइस को पूरी तरह सच नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को लॉस से बचाने के लिए अपने पैसों को हर जगह डाइवर्सिफाई करने के बजाय कुछ सिलेक्टेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, जो सभी अच्छे बिजनेसेस हों, जिनकी वैल्यू बाकियों से अच्छी हो। मतलब अपने एग्स को कई सारी बास्केट्स में डालने के बजाय अच्छे से रिसर्च करके कुछ सिलेक्टेड बास्केट्स को चूज करें। वॉरेन बफेट ने भी अपने पोर्टफोलियो में मेनली फाइनेंस और कंज्यूमर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है। बफेट ने पास्ट में कभी किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा। उन्होंने अपने आप को सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज तक स्टिक रखा जिनके बिजनेस को वो अच्छे से समझ सकते हैं, कि वो कैसे काम करते हैं, उस बिजनेस के बारे में उनकी कितनी नॉलेज है और वो कैसे उस बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को समझ सकते हैं, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सही से ले पाए और उस कंपनी पर ट्रस्ट कर पाए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो कंपनी क्या काम करती है, उससे कंज्यूमर्स को कैसे फायदा होता है और इसकी फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको पूरी नॉलेज ना हो। अब क्योंकि वॉरेन को खुद को टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और क्योंकि वो इसे ठीक से नहीं समझ पाते, इसीलिए उन्होंने उनमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एप्पल कंपनी को छोड़ के। तो जिस बिजनेस या इंडस्ट्री को आप ठीक से समझते हैं और जिसकी आपको नॉलेज है, आप उस पे इन्वेस्ट करें, ना कि उसमें जिसकी आपको कुछ नॉलेज नहीं है। नंबर 5, इग्नोर द मार्केट। हम सभी को ये सिखाया जाता है कि हमें कभी भी किसी काम को सिर्फ इस रीजन से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब कर रहे हैं, मगर लोग इस बात को आज भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। ज्यादातर लोगों के डिसीजंस ट्रेंड्स पर बेस्ड होते हैं। दुनिया में कौन सा फैशन ट्रेंड में है, कौन क्या ज्यादा खरीद रहा है, लोग हमेशा भीड़ को फॉलो करते हैं। वही बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम भी लोग बस ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो उन स्टॉक्स को खरीद बेचते रहते हैं जो ट्रेंड में है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन कंपनीज और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे अच्छे से रिसर्च किया होता है, उसे ठीक से समझा होता है। ऑथर कहते हैं, मार्केट को अगर कुछ सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है तो वो है लोगों के इमोशंस, जहां लोगों का डर और लालच मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस को डेली अफेक्ट करता है। जो लोग भीड़ को फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लेते हैं, उन्हें बफेट लैमिंग्स कहते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स गेन करना चाहते हो, तो आपको मार्केट को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा है तो उसे शॉर्ट टर्म गेन या लॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रिटर्न्स देता है। इसलिए जब भी आप अपना पैसा या अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट करें, तो उसे पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और उसकी वैल्यू को समझें, ना कि भीड़ को फॉलो करते हुए अपने डिसीजंस को लें, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।